Hello everyone. Today we will discuss about a geometric tolerance. Geometric tolerance क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए हम इस वीडियो पर बने रहेंगे. Geometric tolerance क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए हम इस वीडियो पर बने रहेंगे. Geometric define a two shape कि मतलब किसी चीज़ का या किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा होना चाहिए. जियोमेट्रिक तो जियोमेट्रिक जस्ट शेप डिफाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. एंड टॉलरेंसेस टू मॉडिफाई या एग्जैक्ट शेप विथ साइज दैट यूज टू इन्वॉल्व फिटमेंट इशूज या क्लियर द फिटमेंट इशूज. यही हो गया, ठीक है ना. अब हम बात करेंगे कि जियोमेट्रिक टॉलरेंस में क्या क्या शेप्स होती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स कवर्स करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे टॉलरेंस देने के लिए हमें एक फॉर्म की इसमें डिफाइन कर रखा है फॉर इंडिविजुअल फीचर्स के लिए. जैसे फॉर्म हो गया, फॉर इंडिविजुअल और रिलेटेड फीचर्स के लिए प्रोफाइल हो गया, फॉर रिलेटेड फीचर्स इंडिविजुअल मतलब डेटम के रिस्पेक्ट में उसके लिए ओरिएंटेशन लोकेशन एंड रन आउट हो गया. ये टॉलरेंसेस के टाइप हो गए इन द केस ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिक कैटेगरीज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट अ फॉर्म टॉलरेंसेस टाइप. फॉर्म में क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन में आपने देखा कि स्ट्रेटनेस लिखा हुआ है, फ्लैटनेस लिखा हुआ, सर्कुलरिटी हो गया. इनके सिंबल्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं. स्ट्रेटनेस का सिर्फ लाइनिंग फॉर्म में होता है और फ्लैटनेस का पूरा पैरेललोग्राम बनाकर उसका पूरा फ्लैट एरिया चेक करने के लिए होता है कि आपका प्रोजेक्ट का या ऑब्जेक्ट का फ्लैटनेस कितना हो रखा है. सर्कुलरिटी में कितना सर्कुलर है ये सिंबल डिनोटेड है. प्रोफाइल पे अब बात करते हैं. प्रोफाइल पे आप देखोगे लाइन प्रोफाइल. लाइन प्रोफाइल के लिए सिर्फ हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ लाइनिंग पे प्रोफाइल देखने मतलब एक ही पॉइंट पे ही पूरी प्रोफाइल को डिस्कस करना होता है या वेरिएशन चेक करना होता है. सेकंड हो गया सरफेस प्रोफाइल. सरफेस प्रोफाइल की जहाँ पे बात आती है तो वो मल्टीपल पॉइंट्स पे हमें ये चेकआउट करना होता है कि वो कितना ऑब्जेक्ट से वेरी है अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से. नेक्स्ट हो गया ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन में तीन के टाइप हो गए, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म. एंगुलरिटी क्या होता है कि एंगुलरिटी किसी अगर एंगल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या एंगल बेस पे बना हुआ है तो वो एंगल पे एक्चुअल पोजीशन पे है या नहीं, अदरवाइज उसका फ्लक्चुएशन पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीन वैल्यू से फ्लक्चुएशन कितना है वो ऑब्जर्व करके एंगुलरिटी फाइंड करता है. परपेंडिकुलरिटी क्या, जस्ट सिमिलर टू एंगुलरिटी बट परपेंडिकुलरिटी डिपेंड्स ऑन अ 90 डिग्री एक्सिस पे. परपेंडिकुलरिटी डिपेंड करता है सिर्फ 90 डिग्री एक्सिस पे, नॉट अ अदर ऑफ एक्यूट एंगल पे और ऑब्ट्यूज एंगल पे. अदर नेक्स्ट थिंग पैरेललिज्म. पैरेललिज्म इज अ ऑब्जेक्ट, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हमें सेकंड फेस चेक करना हो तो उसे पैरेललिज्म कहते हैं. दैट इज ओरिएंटेशन विच इज वेयर ए डेटम इज रिक्वायर्ड. तो ओरिएंटेशन पे जितने भी पैरामीटर्स हैं या फिर ऑब्जर्वेशन से डिस्क्रिप्शन हैं उन्हें चेक आउट करने के लिए हमें किसी डेटम की ज़रूरत होती है. एंगुलरिटी में किसी भी अगर एंगुलरिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेक करना है तो उसके लिए बेस हमारा डेटम हो गया ऑब्जेक्ट का. परपेंडिकुलरिटी के लिए भी हमें एक बेस का डेटम लेने के बाद उसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे चेकआउट करना होगा. पैरेललिज्म में भी सिंपल लोअर फेसेस के लेके अपर फेसेस का चेकआउट करना है. नेक्स्ट आता है लोकेशन. लोकेशन में तीन चीज़ें होती हैं, पोजीशन, कंसेंसस. अब आता है लोकेशन. लोकेशन में तीन चीज़ें, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी और सिमेट्रिक. इन तीनों में भी हमें डेटम की नीड होती है. तो पहले पोजीशन के लिए, पोजीशन अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन चेक करना है किसी भी रेस्पेक्ट पे तो वो हमें फिक्स करके उसके बिहाफ में हमें फर्स्ट पोजीशन को चेक करना होगा. और उस कंसेंट्रिसिटी एक हो गया कि मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटम के रिस्पेक्ट में हमें चेकआउट करना होगा. सिमेट्री क्या होता है कि
किसी भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट।